और ये यहाँ पे मेरा अकाउंट मोनिटाइज हो चुका है। पाकिस्तान में रहकर इसमें मोनिटाइजेशन वाला ऑप्शन भी आ चुका है और इस अकाउंट से अर्निंग भी शुरू हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। टिकटॉक मोनिटाइजेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में रहकर अपना टिकटॉक का अकाउंट कैसे मोनिटाइज करें। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक ने मोनिटाइजेशन ऑन कर दी है। इस हवाले से बहुत ज्यादा लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी बना दी हैं, लेकिन सब ने इलीगल तरीके बताए हैं टिकटॉक से अपना अकाउंट मोनिटाइज करवाने के, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे अकाउंट बनाना जितना आसान बताया जा रहा है ना, उतनी ही आसानी से लोगों के मोनिटाइज हुए अकाउंट यहाँ पे बैन हो रहे हैं। जी हाँ, टिकटॉक लोगों के अकाउंट डिलीट भी कर रहा है जिन्होंने इस तरह इलीगल तरीके से मोनिटाइज करवाए हैं। इवन के लोगों की यहाँ पे अर्निंग भी आनी शुरू हो चुकी थी, लोगों के अकाउंट में डॉलर्स भी पड़े थे, लेकिन टिकटॉक ने उनको बैन करना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या है? अरे भैया, जाहिर सी बात है, जब आप एक काम इलीगल तरीके से करेंगे, आप प्रॉपर वहां पे एहतियात नहीं करेंगे, तो आपके अकाउंट डिलीट हो जाएंगे। लेकिन टेंशन आपने नहीं लेनी है, क्योंकि राणा साहब आज आपको इस वीडियो में एक तो सही तरीका बताएंगे टिकटॉक से अपना अकाउंट मोनिटाइज करवाने का पाकिस्तान में रहकर, और फिर दूसरी तरफ आपको प्रॉपर सारी एहतियात भी बताएंगे कि जिससे आपका अकाउंट भी बच जाएगा। और तीसरी सबसे अहम बात जो अभी तक किसी ने यूट्यूब के ऊपर नहीं बताई कि भैया यहाँ पे यूट्यूब वाला हिसाब नहीं है टिकटॉक से वो डॉलर्स कमाने का, कि जैसे जब आपका यूट्यूब के ऊपर चैनल मोनिटाइज होता है ना, आप जैसे ही वीडियो को अपलोड करते हैं, पहले ही वीडियो के ऊपर आपके या वीडियो पब्लिश होते ही उस पे एड्स लगना शुरू हो जाते हैं। टिकटॉक में ये हिसाब नहीं है भैया। टिकटॉक ने मोनेटाइजेशन के बाद पैसे देने वाला यानी डॉलर्स देने वाला काम थोड़ा मुश्किल रखा है। यहाँ पे आप चैनल को मोनेटाइज भी करवा लेंगे ना, आप वीडियो को अपलोड करेंगे तो फौरन से उसके ऊपर एड्स नहीं चलेंगे, फौरन से आपको डॉलर्स नहीं आएंगे। उसका भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया है जो कि समझने वाली बात है, लेकिन टेंशन ही लेनी राणा साहब, आपको सारा कुछ आज इसी वीडियो में गाइड करेंगे। क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के कमेंट मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप बताएं कि हम कैसे इसको लीगल तरीके से पाकिस्तान में रहकर मोनेटाइज करवा सकते हैं और कैसे यहां से अर्निंग होगी, प्रॉपर तरीका क्या है जो टिकटॉक ने बताया है। यहां पे कोई वो कह रहे हो कि टोपी ड्रामा वाला हिसाब नहीं है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि लोग मेरी आपकी तरह के आम लोग कैसे इस बात को मान लेते हैं कि यार जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब हो गया या इवन के टिकटॉक हो गया, हम उनको ऐसे आसानी से चुना लगा सकते हैं जी कि हमने वीपीएन किया, ये किया, वो किया, हमारी अर्निंग शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता, प्रॉपर चीज को समझना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहां से फायदा होता है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करते हैं, फौरन चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे जाके आपको पहले तो मैं यहाँ पे अकाउंट बनाने का जो तरीका अवेलेबल है इस वक्त, ठीक है, वो आपको सही तरीके से गाइड करूंगा। फिर उसके बाद आपको सारी एहतियातें बताऊंगा कि आपका चैनल यहाँ पे डिलीट होने से, बैन होने से बच जाए। ऐसा ना हो कि आपने मेहनत करके यहाँ पे अकाउंट को मोनेटाइज किया, लगे हुए धराधर वीडियोस अपलोड करना और जब आपकी अर्निंग शुरू होने वाली है, ठीक है, वहां पे आपका अकाउंट डिलीट हो जाए। तो इसलिए उस चीज से भी आपको बचाऊंगा और साथ ही यहाँ पे बताऊंगा कि भैया यहाँ पे वीडियोस अपलोड करने के बाद अर्निंग कब शुरू होगी, कि आपने मोनेटाइज भी करवा लिया लेकिन कौन कौन सी वीडियो पे आपको यहाँ पे अर्निंग होगी, डॉलर्स मिलेंगे। हर वीडियो यहाँ पे मोनेटाइज नहीं होनी है जनाब, जरा बात को समझा करें, फिल्म अभी बाकी है। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर जो कि ऑलरेडी आपके सामने है, लेकिन उन सबसे पहले आपको एक चीज बता दें। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। राणा साहब आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। और हाँ, यहाँ पे भैया एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चाहते हैं कि राणा साहब फ्यूचर में भी आपके साथ अच्छा अच्छा कॉन्टेंट ओरिजिनल बातें शेयर करें, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी ऑन कर दें, अगर फ्यूचर में आपको राणा साहब किस तरह की अच्छी अच्छी और रिसर्च बेस्ड वीडियोस मिलती रहे। यहाँ पे वो काम नहीं होता कि दूसरे की वीडियो देख के उसको वैसे ही बना दिया, ना उस पर रिसर्च किया, ना उसका सही कोई मेथड सीखा है, ना लोगों को बताया। इसलिए ध्यान से आपने क्या करना, घंटे के निशान को ऑन कर देना है। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर ले यहाँ पे अकाउंट बनाने की। तो ये बात तो सच है कि अभी तक टिकटॉक ने लीगली पाकिस्तान में मोनिटाइजेशन ऑन नहीं की। ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक उस हिसाब से पाकिस्तान की अच्छी वैल्यू
वैल्यू नहीं है इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक की मोनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से बाकी ममालिक में ऑन है, या जो अच्छे ममालिक है, जो प्रीमियम कंट्रीज है, लंदन, यूके, यूएसए वगैरह हो गया, कनाडा हो गया, इवन की इंडिया में भी, लेकिन पाकिस्तान में अभी वो ऑप्शन नहीं आया जो प्रॉपर एक मोनिटाइजेशन का ऑप्शन है, छोटा मोटा बेटा वर्जन दे दिया। इसी तरह टिकटॉक की मोनिटाइजेशन प्रॉपर अभी यूके में सॉरी यूएसए में आई है, ठीक है, यानी अमेरिका में, पाकिस्तान में तो अब इसका नामो निशान भी नहीं है। तो पाकिस्तान में रहकर कैसे आप यहाँ पे उसको मोनिटाइज करवा सकते हैं अपने अकाउंट को, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे बता दो, कोई किसी को पैसे नहीं देने, अपने सारा काम खुद ही करना है। मार्केट में ना मोनिटाइज हुए अकाउंट 10 से 20 हजार रुपए के सेल भी हो रहे हैं, तो जो सा तरीका आपको राना सा बताएंगे, आप उस तरीके से अकाउंट बना के मोनिटाइज करवा के, बल्कि आप लोग मार्केट में जाके इस तरह के अकाउंट को सेल कर सकते हैं। आपको एक रुपया नहीं लगना, 2 मिनट में आप यूएसए का टिकटॉक का जो अकाउंट है उसको बना लेंगे, फौरन से मोनिटाइज करवा के जाके मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले आपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ जाना है। यहाँ पे आके आप लोगों ने ओपन करना है प्ले स्टोर को, जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉक्सी का नाम लिखना, ब्राउजर जो कि इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है, हम भी कर लेते हैं, क्या टेंशन की बात है। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह की ये प्रॉक्सी आपके सामने आएगी, वीपीएन इसको कहते हैं, ठीक है, ब्राउजर का। यहाँ पे आपके सामने इंस्टॉल का बटन होगा, आपने यहाँ पे इसको क्लिक करके ना, ठीक हो गया, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, सिंपल सा तरीका है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना, लिखा हुआ यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, आपने यहाँ पे क्लिक करके ना आपने यहाँ पे यूएस को चूज कर लेना, ठीक हो गया, हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई और कंट्री चूज हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपके सामने बटन पीछे की तरफ होगा, आपने इसको क्लिक करना तो ऑन हो जाएगा, जैसे मेरा ग्रीन है आपका व्हाइट होगा, बस इतना सा काम करना आपकी प्रॉक्सी ऑन हो जाएगी। अब आपने उसके बाद क्या करना, बैकग्राउंड पे अगर टिकटॉक की एप्लीकेशन चल रही है उसको आपने फुल क्लोज कर देना, ठीक है, हर चीज को यहाँ पे क्लोज कर देना। प्रॉपर तरीका बता रहा हूं कि आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, जैसे पता ना अक्सर फोनों में डिफरेंट तरीके होते हैं, मेरे फोन में स्वाइप का तरीका, मैं ऊपर करता हूँ सारी बैकग्राउंड की एप्लीकेशन यहाँ पे चल जाती है, ठीक है, उनको आपने हर जगह से जाके क्लोज कर देना, जैसे देखे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक हो गया, गूगल क्रोम हर चीज। उसके बाद आपने आके इस तरह के गूगल क्रोम को ओपन कर लेना मोबाइल फोन में, सिंपल गूगल नहीं करना, गूगल क्रोम करना है, CHROME जाके लिखेंगे ना प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने सर्च बार में आके सिंपल क्या लिखना है, आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है टिकटॉक, उसके बाद लिखना है साइन अप, लिखिए आपने एंटर प्रेस कर देना है, सिंपल हो गया, बात की समझ आ गई है। अच्छा, अब आपके सामने इस तरह का पहला पेज आ जाएगा जो आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन के ऊपर, टिकटॉक साइन अप। आपने यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक लगानी है जो आपको कोई नहीं पहले किसी ने बताई, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको ऐसे प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखेंगे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा ओपन इन न्यू टैब, आपने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने से क्या होगा, अभी आपको एप्लीकेशन में नहीं लेके जाएगा, यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर ओपन होगा। अब ये ओपन कहाँ पे हुआ पेज आपको बता देते हैं, ऊपर यहाँ पे आपके सामने इस तरह का बटन बना होगा, इसको टैब सेक्शन कहते हैं, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल एंड पे आपको मिल जाएगा टिकटॉक साइन अप, आपने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक हो गया। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ गया, आपने इसको नॉट नाउ करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है यूज फोन और ईमेल, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना जो कि ओरिजिनल हो आपके आईडी कार्ड के मुताबिक, क्योंकि जब आप यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे ना तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं आईडी कार्ड वगैरह, इसलिए आपने यहाँ पे इसको सही चूज करना है, इसलिए हम यहाँ पे इसको सही चूज कर लेते हैं जी। दोस्तों, करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे आप लिखा हुआ फोन नंबर, आपने इस पे नहीं, आपने ईमेल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी जीमेल लगाएंगे, ठीक होगा, कोई भी लगा दे, लेकिन आपके इस फोन में वो लॉग इन होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अपनी जीमेल लगाता हूँ, जीमेल लगा दिया। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या क्लिक कर देना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर, ये ले जी, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप कह रहे भैया पासवर्ड चूज कर लो जो कि स्ट्रांग हो, उसमें कम से कम 8 करेक्टर्स होने चाहिए, उसमें लेटर्स, नंबर्स और फुल स्टॉप कॉमा लाजमी होना चाहिए, ठीक होगा। वो हम यहाँ पे लगाते हैं, देखे जैसे मैंने यहाँ पे लगा दी छोटी बड़ी एबीसी यूज किया, गिनती और एक मैंने कॉमा फुल स्टॉप लगा दिया। करने के बाद सिंपल आपने साइन अप के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं भैया इसको हम सेव कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब कह रहे हैं भैया हमने आपको आपकी जीमेल के ऊपर ना कोड सेंड किया है, इस वाली जीमेल के ऊपर, उसको वहां से जाके यहाँ पे लगा देना। सिंपल आपने वही काम करना, जाके आप लोगों ने यहाँ पे जीमेल को ओपन कर लेना, कोड आया होगा वो आपने यहाँ पे लगा देना।
जी फ्रेंड्स, कोड यहाँ पे मैंने लगा दिया। देखिए उसने खुद इसको प्रोसेसिंग कर ली है कोड लगाने के बाद। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। जी हाँ, यूएसए का हमने टिकटॉक का अकाउंट बना लिया है। टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइजेशन इन पाकिस्तान यूएसए के नंबर पे, ठीक हो गया। करने के बाद क्या रहेगा, यूजर नेम अपना लिखना है, वरना आप यहाँ पे अब इसको स्किप भी कर सकते हैं, बाद में इसको जाकर सेटिंग में से चेंज कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, ठीक हो गया। देखिये लॉग इन सक्सेस हो चुका है। अब ये देखिए सबसे बड़ी निशानी टिकटॉक का अकाउंट यानी यूएसए का अकाउंट पाकिस्तान में बनाने की, वो ये है टिकटॉक यूएसए अकाउंट इन पाकिस्तान के। देखिए मेरे सामने यहाँ पे जो सी वीडियोस आ रही है पाकिस्तान की नहीं, यूएसए की है। इसको अगर मैं स्वाइप करूं तो ये भी यूएसए की, ऐसे करके सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब दूसरा काम क्या करना, इसको हम यहाँ से काट देते हैं। बैक टेंशन की बात नहीं लेनी है, ठीक है, बल्कि आपने एक और यहाँ पे एहतियातन काम करना, इसको यहाँ से आपने लॉग आउट करना, ठीक हो गया, ताकि आपका अकाउंट डिलीट ना हो। यहाँ से हम जाके इसको काट देते हैं, सिंपल लॉग आउट काट देते हैं। यहाँ पे आ जाना 3 डॉट्स के ऊपर लॉग आउट, मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ। कंफर्म हमने यहाँ पे काट दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना, सबसे अहम बात, अभी वीपीएन आपका ऑन है, और हाँ यहाँ पे सबसे अहम काम यह है कि वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को ऑन करें, ताकि फ्यूचर में भी आपको राणा साहब इस तरह गाइड करते रहे प्रॉपर तरीके में। अच्छा जी, अब आपने अगर बैक साइड पे यानी बैकग्राउंड में आपकी टिकटॉक चल रही है तो उसको बंद कर दे, वरना आपका अकाउंट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं टिकटॉक को यहाँ पे ऑन करता हूँ, वीपीएन लगाने के बाद आपने इसको ऑन करना, ठीक हो गया। देखे जी मेरे सामने से पेज आ गया, सिंपल, ठीक हो गया जी। ये सारा कुछ इसको मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, ठीक है, स्किप करते हैं। अब यहाँ पे डन 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 जो भी है देखिए। अच्छा जी, अब देखिए मेरे सामने यूएसए की वीडियोस आ रही हैं, वो भैया इसलिए मैंने यूएसए की यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने प्रोफाइल के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि भैया बताओ कौन सा अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है जो नया आपने बनाया अभी वो आपने लॉग इन करना है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है आके एड एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस पे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैंने इसमें यहाँ पे क्लिक किया, मुझे कह रहा है कि कैसे लॉग इन करना है, पहले साइन अप किया था लॉग इन करना है। मैं बोलूंगा फोन या ईमेल से, दोबारा कि आपने ईमेल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जिस ईमेल पे बनाया है वो ईमेल और उसका पासवर्ड लिखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने वही मेल आपके सामने लगाई है, वही पासवर्ड लगाया। अब मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करने लगा हूँ, और अभी आपके सामने यहाँ पे जादू होगा कि मेरा जो है ना टिकटॉक यूएसए अकाउंट इन पाकिस्तान वो हमारे सामने आ चुका है। इसको हम ठीक है यहाँ पे डोंट अलाउ कर देते हैं। अब आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है ना यहाँ पे प्रोफाइल, आप लोगों ने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना होता है। मैंने क्लिक किया आपके सामने, देखे ये अभी जो मैंने नया अकाउंट बनाया है वो है। अब आपको दिखाऊंगा यूएसए का है, इसकी क्या गारंटी है। भैया गारंटी देते हैं ना राणा साहब, पर 3 लाइंस हैं, आप लोगों ने यहाँ पे इनके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ क्रिएटेड टूल्स, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये सबसे बड़ी निशानी है क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा, कि ये वाला ऑप्शन पाकिस्तानी अकाउंट्स में नहीं आता, ये सिर्फ यूएसए के अकाउंट्स में आता है, ठीक हो गया। इस पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने से देखें जादू हमारे सामने आ गया है। अब ये देखें ये वाला ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है, गेट रिवॉर्डेड विद क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा। ये कह रहा है कि इसमें 3 आपके पास यानी वो जो ऑप्शन होंगे तब आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। पहला तो 18 इयर्स ओल्ड, ठीक हो गया कि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो। दूसरा आपके पास कम से कम 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, और यहाँ पे 1 लाख वीडियो व्यूज होने चाहिए इन द लास्ट 30 डेज, के 30 दिन के अंदर आपके 1 लाख वीडियो व्यूज होने चाहिए, ठीक हो गया। बात की समझ आ गया, अकाउंट यहाँ पे बना ले, सिंपल तरीका था। अब सबसे अहम चीज यहाँ पे बता दो कि भैया जब आपकी ये चीजें होंगी ना आपका अकाउंट यहाँ पे मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन अब एहतियात है कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट कैसे बचा सकते हैं डेड या डिलीट होने से, और यहाँ पे आपको अर्निंग कब शुरू होगी। मोनिटाइजेशन करवाने के फौरन बाद अर्निंग नहीं होगी, उसके बाद मजीद कुछ रिक्वायरमेंट्स है टिकटॉक की। अब सबसे पहले डिलीट होने से आपने ऐसे चाहना है कि आपने जब भी अपने यूएसए वाले अकाउंट को ऑन करना है ना, आपने लाजमी तौर पे आके वीपीएन को ऑन कर लेना, ठीक है। वहां पे अपने यूएस कंट्री को सिलेक्ट लाजमी करना है, उसके बाद आपने टिकटॉक अकाउंट को लॉगिन करना है। जब आपने इसको यानी इस्तेमाल कर लिया, अब आपने इसको बंद करना है, आपने इसको यहां से लॉग आउट कर देना। लॉग आउट करने के बाद आपने इस तरह इसका जो बैकग्राउंड ऐप है उसको वहां से रिमूव करना, फिर बेशक वीपीएन को बंद कर दें। लेकिन जब आपने दोबारा इस यूएसए वाले टिकटॉक अकाउंट को ओपन कर
करना, आपने उसी तरह वीपीएन को ऑन करना, इसको दोबारा लॉग इन करना। यहाँ पे आपने एहतियात करनी है कि बगैर वीपीएन आपने इस अकाउंट को लॉग इन नहीं करना, क्योंकि जैसे ही टिकटॉक ने आपकी आईपी को पकड़ लिया, ठीक है, आपका अकाउंट यहाँ से बैन और डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर बाद में कुछ नहीं कर सकते। अब हो सकता है कुछ लोग बोले कि हम तो बगैर वीपीएन का यूज कर रहे हैं, तो भैया करते रहो जब तक कर रहे हो, लेकिन जब आपको झटका लगना, आपको समझ में नहीं आना, इसलिए एहतियात पहले दिन से आपने करनी है, पहली बात होगी। अब जो इतना आसान, अच्छा एक और बात मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे फौरन से 10,000 फॉलोअर्स कैसे कर सकते हैं, और ये जो सारी इसकी वो क्राइटेरिया है 1,00,000 वीडियो व्यूज का, वो कैसे आप ऐसे एक दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेन चीज यहाँ पे बताऊं मैं कि भैया यहाँ पे आपकी कौन कौन सी वीडियो मोनिटाइज होगी। सारी वीडियोस आपकी मोनिटाइज नहीं होंगी, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आना साहब आपको बताने लगे हैं। तो इसलिए ऐसे नहीं है कि आप शॉर्ट्स डाली जा रहे हैं, ठीक हो गया, कॉपीराइट वीडियोस को उठा के डाली जा रहे हैं, आपको पैसे मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जरा देखें यहाँ पे, देखिये मैं टिकटॉक के पेज के ऊपर ही हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत ज्यादा सवाल है इनके ऊपर, जरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वीडियोज आर एलिजिबल फॉर रिवार्ड्स, के किस वीडियो के ऊपर आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। तो भैया इसको पढ़ ले, जरा सुने ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ इट मस्ट बी 1 मिनट और लॉन्गर, के यहाँ पे वो नहीं है कि आपने शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं 15-30 सेकंड के, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे आपकी वीडियो 1 मिनट से ज्यादा होनी चाहिए, तब आपको उसके ऊपर अर्निंग होगी, पहली बात, ठीक हो गया। और उसके बाद ये लिखा हुआ सबसे अहम चीज, इट मस्ट रीच एटलीस्ट 1000 क्वालिफाइड व्यूज। चैनल की बात नहीं हो रही, यानी आपका बेशक यहाँ पे टिकटॉक का अकाउंट मोनिटाइज हो चुका है ना, ठीक है, आपके उसके बाद आपको हर वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे, सबसे पहले हर वीडियो पे आपको अर्निंग नहीं होगी। सबसे पहले तो आपकी वीडियो का 1 मिनट से ज्यादा होना लाजमी है, दूसरा आपकी हर वीडियो के ऊपर जब 1000 व्यूज आएंगे ना, उसके बाद जो अगला व्यू आएगा उसके ऊपर आपको अर्निंग होगी। बात की समझ आई है कि जब आपकी हर वीडियो, बेशक आपने अकाउंट मोनिटाइज करवा लिया, हर वीडियो का 1000 व्यूज लेना लाजमी है, उसके बाद जब 1000 से ऊपर व्यूज आएंगे तब आपके ऊपर एड्स लगेंगे, अगर लगने हुए फिर आपको अर्निंग शुरू होगी। ये बात अभी तक नहीं किसी ने बताई, इस बात को अपने जेहन में आपने रखना है। और फिर उसके बाद सबसे अहम चीज यहाँ पे देखें जरा भैया, ये लिखा हुआ इट इज नॉट अ डुएट अ स्टिच वीडियो, कि जैसे लोग डुएट करते हैं ना उस पर आपको अर्निंग कोई नहीं होनी, ठीक है, सिंपल आपकी अपनी वीडियो होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नॉट अ वीडियो ऑफ फोटो मोड, के जैसे लोग क्या करते हैं फोटोज को सिलेक्ट करके ना वीडियो की फॉर्म में बना देते हैं, कि इसमें वीडियो नहीं, बेसिकली फोटोज चल रही होती हैं, पीछे एक सॉन्ग लगा होता है, उन पे भी आपको आपकी अर्निंग नहीं होगी, ठीक हो गया। उसके बाद देखे जरा, और किन पे आपको अर्निंग नहीं होगी, ये देखे जरा, वीडियोस नॉट क्वालिफाइड, कंटेंट होली कॉपीड फ्रॉम अदर्स, वो वाला, और कंटेंट रिप्रोड्यूस फ्रॉम अदर्स विद ओनली स्लाइट मॉडिफिकेशंस, फॉर एग्जांपल एडिंग स्पीड फिल्टर्स वगैरह, कि जो आप दूसरों की वीडियोस उठा के लगाएंगे ना उन पे आपको अर्निंग कोई नहीं होनी जनाब। या आपने क्या किया, दूसरों की वीडियोज को उठाया, फिल्टर लगा दिया, स्पीड को तेज कर दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर दिया, ना ना मेरी जान ऐसा नहीं होना, टिकटॉक फुद्दू लगाना आसान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उन पे भी आपको यहाँ पे अर्निंग नहीं होगी, कि जिन पे आप लोगों इस तरह का काम करते हैं ना, यहाँ पे आपकी अपनी वीडियोस होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये लिखा हुआ कंटेंट कंबाइंस अदर्स वीडियोस और पिक्चर्स विद नो एडिशनल ओरिजिनल और क्रिएटिव कंट्रीब्यूशंस, कि आप दूसरों की वीडियो से कोई पार्ट उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहां पर भी आपको अर्निंग नहीं होगी। ये इस तरह की कुछ बातें हैं भैया, ये देखने जरा। और यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, लूपिंग वीडियोस पे नहीं होगी, स्लाइड शोज पे नहीं होगी, जहां पे आप इमेजेस को लगा के ना वीडियो बना देते हैं वो काम भी नहीं होगा, और ऐसी तस्वीरों पे भी नहीं होगी कि जिनकी आपने वीडियो बना दिया तस्वीरों की नीचे टेक्स्ट आ रहा है, ना भैया यहाँ पे ये सारा काम नहीं होना। ये अभी तक किसी ने नहीं बताया कि आपको ट्रक की बत्ती मगर लगाया हुआ कि आओ हमारी वीडियोज को देखो, अकाउंट बनाओ और आपकी अर्निंग होगी, ऐसा नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे मेथड है अर्निंग करने का। तो इसलिए आपने इस चीज को ध्यान से देखना, समझना, फॉलो करना है। मजीद यहाँ पे और बहुत ज्यादा बारीकी वाले जो आपके लिए जानना लाजिम है, अगर आप टिकटॉक से पैसे कमाना चाहते हैं, टेंशन ना ले, इनके ऊपर आना जब अगली वीडियो डिटेल में बना देंगे, आपको सब कुछ बता दूंगा, ताकि आप लोग सही तरीके से काम करें और आपकी अर्निंग यहां से शुरू हो जाए। जी दोस्तों, वादे के मुताबिक आपको सही तरीके से अकाउंट बनाना सिखाया, आपको मेथड्स बताए कि कैसे आपने बचना है कि आपका अकाउंट डिलीट ना हो, और आपको प्रॉपर तरीका बताया, जो प्रॉपर गाइडलाइंस है जिनके जरिए से आपको अर्निंग होगी। इसलिए बैठ के अपना टाइम वेस्ट ना करना, दूसरों की वीडियो
को उठा के लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बाद में पता चला आपका अकाउंट डिलीट हो गया या आपको डॉलर ही नहीं आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी के निशान को ऑन करना है। और अगर आप चाहते हैं कोई सवाल है आपका किराना साहब इसका हमें बताएं समझाएं, तो मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा। वो किस भी हवाले से हो, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट इसके हवाले से हो, या हाउ टू अर्न फ्रॉम फेसबुक, हाउ टू अर्न फ्रॉम टिकटॉक, हाउ टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, कोई भी आपका सवाल है नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह राणा साहब वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राणा साहब को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।